माता बगला मुखी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। माँ बगला मुखी का मंत्र ओम नीम बगला मुखी देव्य नीम ओम नमः। प्रिय भक्तों, हम गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ बगला मुखी की पूजा अर्चना करते हैं। आठवीं महाविद्या माता बगला मुखी का पूजन करने से जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और सोचने समझने की शक्ति में सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। माँ को देवी पीतांबरा भी कहा जाता है। माँ बगला मुखी को पीला रंग अति प्रिय है। माँ बगला मुखी की पूजा करने से शत्रु भय नहीं होता तथा शत्रु कभी कोई अनिष्ट नहीं कर पाते हैं और शत्रु सदा पराजित होते हैं। माँ बगला मुखी युद्ध में विजय दिलाने वाली और वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। अब हम आपको बताएंगे बगला मुखी का अर्थ। बगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है जिसका अर्थ होता है दुल्हन। बगला शब्द तीन अक्षरों से मिलकर बना है, व ग तथा ला। व अक्षर वारुणी, ग अक्षर सिद्धिदा तथा ला अक्षर पृथ्वी को संबोधित करता है। अतः माँ के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभन शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। माँ बगला मुखी की उपासना के लाभ। माता बगला मुखी की उपासना शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए की जाती है। माता की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी बगला मुखी की उपासना व देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी के साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहे तो शत्रु की जिह्वा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या उच्चारण से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर वाणी को शुद्ध करती हैं, जिससे मनुष्य मधुर और कर्णप्रिय वचन बोलने लगता है। अब हम आपको देवी के स्वरूप का वर्णन सुनाएंगे। देवी बगला मुखी समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप में अमूल्य रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। माता के तीन नेत्र हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र है, शरीर पीले वर्ण से युक्त है। देवी पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं तथा गले में पीले रंग के पुष्पों की माला धारण की हुई है। देवी बगला मुखी के आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा समस्त आभूषण अमूल्य रत्नों से जड़ित है। देवी हल्दी की गांठ, चंपा फूल इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। देवी देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली हैं। उनकी कांति एक नवयुवती के जैसी है। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिसके कारण शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है।
देवी के द्वारा इस प्रकार जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को भी अपना आसन बना रखा है तथा शव पर भी आरूढ़ हैं और दैत्य या शत्रु की जिह्वा को पकड़ रखा है। देवी बगलामुखी रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और समस्त प्राणी संकट में पड़ गए तथा संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान इतना प्रचंड था कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रलयंकारी दृश्य को देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए और इस महाविनाश रूपी तूफान का कोई निवारण न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं, हे नारायण, इस विनाश को शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं रोक सकता, अतः आप उन्हीं की शरण में जाइए, उनका आवाहन कीजिए, वही इस संकट से मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु की तप साधना से देवी शक्ति प्रसन्न हुई। तब सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जलक्रीड़ा करती महापी देवी के हृदय से दिव्य तेज देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से कहा, आप अपना इच्छित वर मांगिए। तब माता को इस प्रकार प्रसन्न हुआ देखकर श्री हरि नारायण ने माता बगलामुखी से कहा, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस महाविनाशकारी तूफान को शीघ्र शांत कर दीजिए और जगत की रक्षा कीजिए। तब माता बगलामुखी ने कहा, ऐसा ही हो। भगवान विष्णु को इच्छित वर देकर माता ने इस महाविनाश को रोका। माता के इस प्रकार वर देने पर ही सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मा स्वरूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसीलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के दुखों का शमन करने वाली हैं और भक्तों को सदा भय तथा संकटों से मुक्त रखती हैं। माता बगलामुखी की साधना में पीला वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीत वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे माता बगलामुखी की साधना किसने और किस किस प्रकार से की। सर्वप्रथम माता बगलामुखी की आराधना ब्रह्मा जी ने की थी। तदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश संकादिक मुनियों को दिया था। संकादिक मुनियों से प्रेरित हो देवर्षि नारद ने भी देवी के दूसरे उपासक
स्वयं जगत के पालन करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम। इनकी साधना सप्त ऋषियों ने भी वैदिक काल में समय समय पर की। अब जानते हैं भारत में माँ बगलामुखी के कितने शक्तिपीठ हैं। भारत में माँ बगलामुखी के तीन ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कांगड़ा जो कि हिमाचल में स्थित है तथा नलखेड़ा जो कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित है। तीनों शक्तिपीठों का अपना अलग अलग महत्व है। यहाँ देश भर से शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। तो इस प्रकार गुप्त नवरात्रि के आठवें दिन की कथा संपूर्ण हुई। बोलिए भक्तों, जय माता दी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें जय माँ बगलामुखी और मंत्र सरोवर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।